अभी बज रहे हैं 6:30, घड़ी आ गई है 10 मिनट और मैं चली अपनी ड्यूटी पे सुबह सुबह। तो ये फ्रिज में रखी है तरोई, तो ये टिफ़िन में बनेगी मजोन तिवारी के, और इसको मैं भी कट करूँगी। ये मलाई आज मैं इसका घी बनाऊँगी, वो तो चाय मेरी चढ़ी है ऑलमोस्ट, सुबह सुबह चाय चढ़ जाती है। तो नैन्सी आज टिफ़िन लेके नहीं जाएंगी क्योंकि आज नैन्सी की जल्दी छुट्टी हो जाएगी और बादल हो रखे हैं, मौसम तापमान बारिश, ये देखिए बिजली कड़क रही है, बारिश वाला है। तो अभी मैं जा रही हूँ, पहले मैंने आवाज़ भी अच्छी नहीं आती सुबह सुबह। वीडियो में रहिएगा आप लोग लास्ट तक, कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, क्या ही बोलूँ। और ये बच्चा आज स्कूल जाने का इसका मन नहीं है, इसके लिए टिफ़िन वगैरह तो बन नहीं रहा क्योंकि स्कूल टिफ़िन लेके आज जाएंगे नहीं, जल्दी छुट्टी हो जाएगी। शाम को पूजा करती हैं, इतना चंदन टीका लगाती हैं बेचारी, आज मन नहीं है जाने का क्योंकि बारिश का मौसम है। तो इनको जल्दी छुट्टी भी हो जाएगी, दो दो ढाई घंटे में आई थिंक ना नैन्सी, हाँ 12 बजे, तो इसकी वजह से इनका मन नहीं हो रहा जाने का। तो मैंने कहा ना ही जाओ, फिर ये आके यहाँ बैठ गई, मैंने कहा जाओ सो जाओ बहन, उदास हो गई। ये बच्चा आज स्कूल नहीं जाएगा गाइज, पब्लिक लोग सुन लो। तुलसी मैया को नैन्सी पानी दे दे के जीवित कर रही हैं, लग गई हैं शायद, तो लग जाए। एक पोपट हो गया तो मुझे नया निकालना पड़ेगा मेरा ट्राईपोड, क्योंकि पुराना वाला टूट गया है, उसको मैं इतने दिन से चला रही थी बेचारे को, तो आज ये टूट ही गया पूरा, निकल गया इसका ये, यही जो इसका ये रहता है इसी से घूमता है, टाइट रहता है। अभी बहुत दिन से मैं इसको मतलब साल भर से चला ही रही थी, बुरी हालत हो गई। हाँ इसका ये टूट गया पेच, तो आज फाइनली इसका इसको मैं डिस्चार्ज करूँगी। दे दो पापा को, दे दो इसको, मनोज तिवारी को, लो देखो सही कर रहा हूँ। और मेरे पास रखा हुआ है, मैं एडवांस में ट्राईपोड ज़रूर रखती हूँ क्योंकि भैया काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये बहुत और बहुत दिन से आया हुआ था, भाई मेरे लेके आए थे इसको, गिरा जा रहा है सब चीज़। इसकी जो क्रिप ये है ये बहुत टाइट है, इसकी वजह से मैं इसको नहीं लगा रही, यही जो लगाने वाला था वो देखो नीचे रखा है। तो एडवांस मेरे पास एक ट्राईपोड नया, एक नहीं दो हैं, एक और भी है, तो आज से मैं इसको शुरू करूँगी। ये शुरू किया था एक बार लेकिन रख दिया था, फिर उससे काम चल रहा था इसलिए मैंने इसको रख दिया था। तो अब इसका उद्घाटन होगा आज, फाइनली यही लगेगा किचन में। नैन्सी स्कूल नहीं जा रही थी लेकिन तैयार होने लगी है, पहले हमने बोला कि ना जाओ लेकिन अब तैयार हो रही है बिट्टू रानी। मैंने सोचा नहीं जाएंगी तो नहा के आऊँगी तो चाय बना के देंगी अपने स्वार्थ के लिए बोल रही थी, लेकिन क्या ही बोलूँ, पोपट हो गए सुबह सुबह। ये मनोज तिवारी का टिफिन पैक हो रहा है, ज़्यादा सब्जी नहीं खाते हैं इसकी वजह से सब्जी थोड़ी देती हूँ, वही तो इसमें भी छोड़ आते हैं और वापस ले आते हैं, और रोटी में घी लगा के नहीं देती क्योंकि रोटी चिपक जाती है इसकी वजह से। एक टिफिन तो आज खा ली है तिवारी, हाँ प्याज दे दूँ, एक डब्बा खाली है।
जाना 8:30 बजे है। अब भाई को एक पहले से ही अभी 8:15 हो रहा है, इसमें 15 हो रहा है, लेकिन अभी आप पीछे ही है और नहा वहा चुके सवेरे ही। अब बाइक पहले से ही रख दिए हैं, रोटी दे दो जल्दी से निकल लूँ, बस ले लो भरो। तो गाइस टिफ़िन वगैरह सब पैक हो चुका है। यहाँ पे मैं मलाई रखी हुई थी तो इसका घी मक्खन निकाले हूँ, घी बनाऊँगी। तो ये मैं कढ़ी का जो इसको चॉपर है इसी से मैं कर देती हूँ, तो बहुत जल्दी 5 मिनट भी नहीं लगता मक्खन निकल आता है। तो इसको मैं अभी घी बनाऊंगी, उसके बाद आगे का आप वीडियो देखिए। तो ये मेरा घी बन रहा है गाइस, अभी मैंने बनाया इसको। अभी मेरा सुबह का ही काम हो रहा है, अभी दोपहर का बचा हुआ है, इधर होटल वगैरह सब खाली, बर्तन इतने सारे, ये सब करके फिर मैं नहाऊंगी झाड़ू पोछा करके, घी बन जाए उसके बाद। किधरा मैं हंसती हूँ ना, सुबह से रात तक मैं हंसती रहती हूँ, जब भी वीडियो में आती हूँ काम करती रहती हूँ, गाना गाती रहती हूँ, हंसती रहती हूँ, मेरी आदत पड़ी है, मैं क्या करूँ, हंसते रहना चाहिए। सो गाइस मैं भी आ गई वीडियो में थोबड़ा लेके अपना, आज फिर से बाल बाल धोई हूँ, पूजा पाठ हो गया, थोड़ा आज लेट हो गई थी, घर से बार बार फोन ही सुबह सुबह आने लगा तो उसकी वजह से लेट हो गई। और ये साड़ी मेरी रखी हुई थी बहुत दिनों से, तो ये बहुत नीचे अलमारी में रखी थी, तो इसको एक दिन मैंने निकाल लिया तो ये मतलब इतनी हल्की है, बहुत ही हल्की साड़ी है, मतलब लग रहा होगा बॉर्डर से भारी है पर बहुत हल्की साड़ी है, तो इसीलिए मैं इसको रोज़ पहन लेती हूँ। हाथ मेरा देखिए आप लोग, अब इसमें अजीब सा ऐसे मतलब खुजली टाइप होता है, तो आज भी मैंने यही साड़ी पहनी है, रोज़ यही पहन लेती हूँ, हल्का गर्मी में ये सब बहुत अच्छा है। तो वीडियो तो सुबह ही इंट्रो कर दिया था मैंने, जो भी शेयर किया सुबह से अभी तक में, अभी रात तक का बचा हुआ है, तो आप लोग प्यार दीजिएगा वीडियो को और देखिएगा पूरा, अच्छा लगे तो। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, कर लिया करिए सब्सक्राइब, अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट भी करा करिए, कमेंट नहीं करते इमोजी भेज दिया करिए। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में ब्रेक के बाद, बाय बाय। अभी मैं नैन्सी के स्कूल जा रही हूँ गाइस, किसी फॉर्म में साइन करना है, तो स्कूल से फ़ोन आया था, 12 बजने वाले हैं, नैन्सी की छुट्टी भी होने वाली है, तो साइन करके साथ ही मैं नैन्सी को लेके आऊँगी। बहुत सारा काम है, अभी घर में जाके खाना भी बनाना, छुट्टी हो गई नैन्सी का, तो रोका हुआ है स्कूल में, आई थिंक किसी फॉर्म में साइन करना है, जाके देखती हूँ, फोन आया तो जल्दी से भागी, फिर खाना वाना भी नहीं बनाई, भाग गया। हाँ नैन्सी मिल चुकी है मुझे और स्कूल भी मैंने वो कर दिया, तो मैं इनको लेके जा रही हूँ, छुट्टी टाइम था ही, मैंने बताया था कि फ्राइडे को 11:45 बजे छुट्टी हो जाती है, बहुत जोर हो रहा है रोड पे, तो अभी हम लोग घर जा नहीं है, क्यों थोड़ा सा टाइम बचता है, 1 बजे तो वैसे भी होती है। हाँ तो हम लोग घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, अभी घर में जाके पकवान भी बनाने हैं, भोजन का। ये टमाटर है 20 रुपए के, 2 टमाटर आज मुझे मिले हैं, मुझे लेना पड़ा, वैसे तो इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं यही सजेस्ट करूँगी लोगों को कि इतनी महंगी जब चीज़ें हो जाएं तो बिल्कुल इसको इग्नोर कर दो, लेकिन आज मुझे सब्जी ऐसी कुछ बनानी थी तो मुझे मजबूरी में 2 टमाटर 20 रुपए के लेने पड़े। गाइस कॉल बंद करना भूल गई,
तो गाइज मैं अभी दोपहर का खाना बना रही हूँ, जिसमें से मैं आलू की सब्जी बना रही हूँ। हींग ऐड किया मैंने, ढेर सारा जीरा, प्याज और लहसुन मैं ऐड नहीं कर रही हूँ इसमें, और ये टमाटर। हाँ रे बसंती, ये ग्रीन चिली मैं ऐड कर रही हूँ बीज से कट करके। कहाँ है रे बसंती, मैंने कहा अरे बहन, फिर याद आवा कि अरे पापा का तो खाना ही नहीं मिला। तो फिर बहन दौड़ के गवाह पूछा, अरे पापा खाना नहीं मिला आपका। तो बना रहा पराठा, पूरी बना रहा, और बच्चा सब खत्म कर दिए थे, पापा खाना नहीं खाए थे। फिर पापा को बिस्कुट खिलाए, फिर हमने कहा फिर क्या हुआ, अरे बहन फिर पापा को बिस्कुट खिलाया, पानी पिलाया, दूध दिया, तो हमने कहा सब लोग खा लिए, पापा भूखे ही रह गए। शीशे का दिल मेरा, आलू को मैं फोड़ के डाली हूँ, आज थोड़ा, आजकल के आलू तो बहुत जल्दी। मेरी आज की थाली गाइस, मैंने चावल भी बनाया, इधर साइड में रखा, चावल नहीं निकाला अभी। तो ये सब्जी है, और ये तुरई की सब्जी सवेरे वाली है, ये प्याज है, पूरी है। आप लोग भी आइए और खाइए, और मेरा वीडियो पूरा एंजॉय करिए, लास्ट तक देखिए। अगर नए हैं तो क्या करना है आपको पता ही है। वीडियो चालू करो तो गूगल खुल जाता है। तो गाइस फिर से मैं आ गई अपने वीडियो में, और मैं सुबह से आज एक ही बार आई थी, अभी सेकेंड टाइम आई हूँ। एक बार ये थी, स्कूल गई थी तब भी आई थी। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6:30, और चाय आज अभी मिली है, थोड़ा सा लेट मिली है, आज नैन्सी सो गई थी। तो ये है मेरी चाय, जो कि मैं चाय एंजॉय करने जा रही हूँ, और उसके बाद आप लोग बताइए आप लोग के यहाँ कैसे चल रहा है, बारिश वगैरह का क्या हाल है। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, पूरा रोड दिखा रहे न्यूज़ में, पूरा सब भर गया है पानी, और यहाँ तो बारिश हो रही है पर अभी भरने वाली नहीं हो रही कि बहुत ज़्यादा जैसे पानी भर जाए, ऐसा वाला नहीं है, नॉर्मल बारिश हो रही है, रुक रुक के हो रही है, फिर बंद हो रही है। तो चलिए फिर मैं चाय पी लूँ, फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से एक ब्रेक के बाद। आई थिंक खाने पीने का तो वीडियो बहुत सारा आज बन चुका है, अब रात तक देखिए क्या शेयर करते हैं। बाय बाय। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा।